हेलो गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोमनाथ महादेव मंदिर। जो अर्बुदा देवी से हम लोग निकले, फिर वहां से गुरु शिखर जाने के रास्ते में ये आता है। तो गाइस, इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही बढ़िया जगह पे है। पूरे जंगलों से घेरा हुआ ये महादेव का टेंपल है यहाँ पे, सोमनाथ महादेव। तो यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं सोमनाथ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। जगह बहुत अच्छी, शांत और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पे महादेव के। बहुत ही अच्छा यहाँ पे शिवलिंग है और पूरा शिव परिवार है। तो शिव परिवार के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। माता पार्वती, कार्तिकेय, भगवान गणेश, नंदीश्वर। यहाँ पर राज राजेश्वरी माता के बहुत ही प्यारे दर्शन हैं। भगवान श्री सूर्य नारायण के बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। विद्या गणेश, भगवान वेदव्यास, भगवान श्री शंकराचार्य, निरंजन पीठाधीश श्रीमंत स्वामी नृसिंहगिरी जी महाराज। तो गाइस, जब आप इस स्थान पर आते हो तो छत पर पेंटिंग जरूर देखना। ये शिवलिंग है, तो ये तस्वीर जो बनाई है, पेंटिंग जो बनाई है, वो कहीं से भी देखोगे तो वो अपनी और दिख रही है, ऐसा ही लगेगा। वैसे ही सेम वैसे ही ये नंदी को देखिए, कहीं से भी देखोगे घुमा के तो वो अपने को ही देख रहा है, ऐसा ही फील होगा। इसी प्रकार ये घोड़े को देखिए, तो ये घोड़ा जो जैसे भी घूमेगा वो घोड़ा अपनी और ही दिखेगा। ये भगवान श्री दक्षिणामूर्ति की तस्वीर है, वो भी अपने को ही देख रहे, ऐसा ही फील हो रहा है। नटराज भगवान की मूर्ति है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। यहाँ पे शिवलिंग है, सब दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अर्धनारीश्वर भगवान, तो गाइस हमने शिव परिवार के दर्शन किए, बहुत ही अच्छा लगा हमें। मंदिर के पास में ही यहाँ पे सरोवर बताया है, तो सरोवर देखते हैं। वहाँ पे मछलियाँ है तो वो भी देखते हैं। इस तालाब में जो मछलियाँ है वो एकदम सुनहरी कलर की है, बहुत ही प्यारी दिख रही है। तो गाइस चलिए चलते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है यहाँ पे। तो गाइस, माउंट आबू में हरे भरे जंगल में स्थित यह मंदिर जो है वो बहुत ही प्यारी जगह पे है और बहुत ही प्यारा लोकेशन है। फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया आती है यहाँ पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। तो हमारा सोमनाथ महादेव का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सीधा जाएंगे हम लोग दिलवाड़ा होके अचलगढ़। तो दिलवाड़ा सीधा रास्ता पड़ता है, तो दिलवाड़ा भी आएगा इसी रास्ते पे और अचलगढ़ भी इसी रास्ते पे ही आएगा।
तो गाइस बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं हम लोग दिलवाड़ा। तो गाइस दिलवाड़ा में जैन टेंपल है, तो जैन टेंपल आपको दिखाते हैं, देखते हैं अंदर। शायद मुझे पता है तब तक तो मोबाइल अलाउड नहीं है, वो दिख रहा है वो जैन टेंपल है, तो बाहर से देखते हैं कैसा दिखता है, आपको व्यू दिखा देते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो दर्शन कर सकते हैं। थोड़ा भीड़भाड़ वाला एरिया है और रास्ता भी संकरा है, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की बहुत ही दिक्कत होती है। तो यहाँ पे लाइन में कहीं पे भी आप गाड़ी पार्क कर लीजिए और फिर दर्शन करने के लिए जाइए। तो ये रास्ता है, ये गेट है, अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आसपास में खरीदारी के लिए बहुत सारी दुकान है। देखिए गाइस सामने लिखा है जैन श्वेतांबर मंदिर दिलवाड़ा। तो माउंट आबू में ये जैन टेंपल है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का देरा जो बोलते हैं वही। तो यहाँ पे मैं मंदिर का लोकेशन आपको बाहर से दिखा रही हूँ, और अंदर बहुत ही अच्छा और बढ़िया मंदिर है, पर हम लोग आपको दर्शन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर। किसी भी जैन टेंपल में बहुत ज़्यादा तक मंदिर में अलाउड नहीं होता है। तो यहाँ पर मोबाइल कैमरा वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे जैन भोजनशाला भी है, तो यहाँ पे भोजन भी कर सकते हैं। मंदिर की दीवार जो है वो हाइट पे है, तो उसकी वजह से मंदिर पूरा नहीं दिख रहा है। तो ये ऊपर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइज ये कल्प वृक्ष है। मंदिर बहुत ही बड़ा है और बढ़िया लोकेशन है, तो यहाँ पे आते हो तो गाइज यहाँ पे एक बार ज़रूर आइए, बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे। बाहर से जैन टेंपल ऐसा दिखता है। तो गाइस दिलवाड़ा से थोड़े आगे ही जाते हैं तो यहाँ पे एक जंगल विस्तार है। हमें ऐसा बताया गया कि यहाँ पे ये सब प्राणी जो एनिमल्स है वो सब दिखते हैं। तो यहाँ पे 350 के करीब गाड़ी की टिकट है, तो अंदर लेके जा सकते हो आप लोग और पूरा देख के फिर वापस आ सकते हो। तो ये तस्वीर है हमारे पास, यहाँ पे टिकट घर है, टिकट लेके फिर जा सकते हो। ये देखिए ट्रेवर टैंक करके है, ये सब देखने की जगह है, ऐसा दिखेगा। हम लोग वहाँ पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी की वजह से हम आपको ये नहीं दिखा पाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो कवर करेंगे ये। तो अभी मैं आपको बाहर से ये जगह दिखा रही हूँ कि यहाँ पे आते हो तो इसकी भी विजिट कर सकते हो। ट्रेवर ट्रैंक करके है ये जगह। टू व्हीलर का 55 रुपीज़ और जीप कार का 305 रुपये और भारतीय पर्यटक के लिए 85 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है ये। तो चलिए गाइस और भी कुछ दिखाते हैं आपको आगे जाके, क्या क्या देखने जैसा है, जो कुछ भी होगा वो हम कवर कर पाएंगे उतना कवर करेंगे। यहाँ पर एडवेंचर पार्क है, तो यहाँ पे उसका मज़ा ले सकते हो। बच्चों के लिए बोटिंग, पबजी, बुंगी, फिर जिपलाइन भी है, घुड़सवारी भी है, तो यहाँ पे सब एडवेंचर है, तो मज़ा ले सकते हैं यहाँ पे। ये जो जगह है वो सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, तो उसके सामने जो है वहाँ पे कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे चलते हैं एक बार देखने के लिए। तो गाइस एडवेंचर पार्क थोड़ी देर के बाद देखेंगे, हमारी गाड़ी का पंक्चर हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा वापस पीछे जाना पड़ेगा। दिलवाड़ा के पास में ही पंक्चर का कोई दुकान है ऐसा बताया गया है, तो वहाँ पे चलते हैं, बाद में व्यू दिखाते हैं कुछ और नया। तो यहाँ पे ये भाई पंक्चर बना रहे हैं हमारा गाड़ी का, छोटा बच्चा है, बच्चों से काम नहीं करना चाहिए, पर उन्हीं का बच्चा था इसीलिए चलता है, मतलब कि वो अभी से बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं सिखाने के लिए। तो गाइस घूमते घूमते दोपहर हो चुकी है और भूख भी लगी है, तो यहाँ पे दिलवाड़ा के पास में ही श्रीनाथ रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम लोग खाना खा लेते हैं पहले। तो
तो गाइज हमने ऑर्डर किया है मसाला डोसा और हमारे साहद ने ऑर्डर किया है गुजराती थाली। उनको तो गुजराती खाना ज़्यादा पसंद है इसीलिए। तो चलो फटाफट से खाना ख़त्म करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो गाइज वापस एक बार हम लोग पहुँच चुके हैं एडवेंचर पार्क जो सामने दिख रहा था बड़ा वाला। तो वहाँ पे ये देखो जिप लाइन है, तो दिखाते हैं आपको। और वैसे बहुत कुछ है पर यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक नहीं है तो इतना मज़ा नहीं आ रहा है, पर यहाँ पे आते हैं तो एंजॉय करने के लिए ये कर सकते हैं कि इस तरह से बुंगी बोटिंग पेंट बॉल बहुत ये बुल राइड जिप लाइन है सब है, मतलब यहाँ पे एंजॉय करने के लिए। ये डबल है, डबल जिप लाइन है, दो लोग एक साथ में ऐसे कर सकते हैं एंजॉय। चलिए हमें तो अभी कोई राइड नहीं करनी है, आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कौन सी राइड है तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये आते हैं तो कर सकते हैं। ये देखो साइकिलिंग पूरा उल्टा पुल्टा घुमा देगी। तो चलिए चलते हैं गाइज आगे। तो गाइज यहाँ से चल रहे हम लोग अचलगढ़, तो अचलगढ़ में भी शिवजी का शिवलिंग है तो वो भी आपको दिखाएंगे। अचलगढ़ का जो रास्ता है वो बहुत ही प्यारा है, तो बहुत ही ग्रीन वैली है और बढ़िया लोकेशन है। ये देखिए गाइज यहाँ पे बीच रास्ते में फोटोग्राफी अगर करते हैं तो बहुत ही बढ़िया लोकेशन आएगा, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ्स आएंगे। बहुत ही खराब रास्ता है सही में। अचल रिसोर्ट, तो पहुंच चुके हैं हम लोग अचलगढ़ में। तो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे कहीं पे गाड़ी पार्क करेंगे फिर चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। चलो भाई पार्किंग की टिकट दे दो हमें, और क्या 50 रुपया टिकट है यहाँ पे। तो ये रास्ता जाता है टेंपल को, तो मंदिर में चलते हैं और दर्शन करवाते हैं आपको। यहाँ पर आसपास में भी दुकानें हैं तो ख़रीदारी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये टेंपल का रास्ता है तो यहाँ पे सबने बीच में ही जूते वगैरह उतारे हैं, तो चलो हम भी यहाँ पे उतार देते हैं जूते। शायद इसकी व्यवस्था अंदर नहीं होगी, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो चलिए चलते हैं अचलेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो गाइज ये मंदिर का अंदर का व्यू है, तो गर्भगृह में चलते हैं और महादेव जी के दर्शन करते हैं। यह जो मंदिर है वो भगवान शिव के पैर के अंगूठे के निशान पर बना है, तो ये सामने जो दर्शन हो रहे हैं वो भगवान शिव के पैर का अंगूठा है। आबू है क्या ये अरावली का भाग? अच्छा, भगवान इंद्र के वज्र से धरती फटती थी खड्डा हो ये अरावली का टुकड़ा है, इसके पंख होते हैं, ये उल्टा है। अच्छा। ये अपने आश्रम पे रख लेते फिर ये फिर अंगूठे का सारा दे के पहाड़ अचल। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं बहुत ही प्यारे दर्शन हो रहे हैं। भगवान शिव के पैर के अंगूठे को आप देख सकते हैं। अचलेश्वर महादेव का मंदिर सभी लोगों के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध दृश्य है क्योंकि इसमें शिवलिंग और पीतल नंदी 5 धातुओं से जैसे तांबा चांदी सोना जस्ता और कांस्य से बना है। यह भी कहा जाता है कि नंदी का वजन जो है वो लगभग 5 टन है और यह 5 धातु से बना है। तो नंदी महाराज के बहुत ही अच्छे और प्यारे दर्शन हो रहे हैं।
ये जो मूर्ति है वो 5 टन की है, पीतल से 5 धातु से बनी है। तो अचलेश्वर महादेव के मंदिर के अंदर शिवलिंग के बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमारे। भगवान शिव के पैर के अंगूठे के दर्शन बहुत ही मस्त हुए। मंदिर के बाहर निकलते ही सामने की ओर सरोवर के अंदर ये 3 भैंसों की तस्वीर है, बहुत ही प्यारा दृश्य है ये। यहाँ पे 3 भैंसे हैं, उनको एक साथ निशाना बनाया था तीर मार के, पर इसकी पूरी क्या कहानी है वो मुझे नहीं पता है। तो गाइज़ आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ पे अचलगढ़ फोर्ट भी है, तो वहाँ पे जाते हो तो विज़िट भी कर सकते हो। हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाएंगे तो आपको वहाँ का व्यू अभी नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए गाइज़ यहाँ से निकलते हैं अचलगढ़ में से। तो बहुत ही अच्छा रहा अचलगढ़ का हमारा ट्रिप, और यहाँ से आगे निकलते हैं पीस पार्क जाने के लिए। तो पीस पार्क में मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइज़ हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना नहीं भूलिएगा पीस पार्क का। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश।